लिखा हुआ आया वेलकम टू टींगा मार्केट। हाँ गाइस, इस जगह का नाम टींगा ही है। तो गाइस दिरांग आ गया, दिरांग विलेज। हम लोग रुके हैं कैफेटेरिया में और अभी हम लोग टींगा से बिफोर आई थिंक 10-15 किलोमीटर्स पहले रुके हैं और टींगा अभी आने ही वाला है थोड़ी देर में, तो हमें थोड़ा भूख लग रही थी। सो हमने अभी दो मसाले डोसे मंगवाए हैं यहाँ पे और चाय हमें यहाँ पे मिली नहीं, तो हमने दो कॉफ़ी मंगवा ली। तो चलते हैं गाइज अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ एक लुक। ये है कैफेटेरिया एंड ये रही हमारी हिमालयन और काफ़ी अच्छा है ये, आई थिंक आर्मी से रिलेटेड ही है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये यहाँ पे बैठने की सिटिंग है गाइस, बेबू ये बैठे यहाँ पे आराम से मज़े से। और बता दिया मैंने कि हमने क्या मंगाया है। अभी हमारे दो मसाले डोसे आने वाले गाइस। हाँ आज मेरे कान बहुत दर्द कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बार बार हेलमेट में दबे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ गाइज रास्ते में ना गाइज इतना अच्छे व्यूज़ आए हैं, सडनली एकदम से आपके आगे बादल आ जाते हैं और मतलब क्या ब्यूटी है, और उसके जस्ट बाद उस पहाड़ के बाद जब आप दूसरे पहाड़ पे जाती हो तो सडनली धूप आ जाती है, तो मतलब यहाँ का कुछ नहीं पता गाइज, बारिश का भी कुछ नहीं पता, धूप का भी कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो अपने साथ अपनी पूरी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लेके चलें आप लोग। सो ठीक है गाइज, अभी हम अपना डोसा इंजॉय करते हैं दोनों आराम से, थोड़ा सा बैठे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, पैर वैर सीधे कर रहे हैं, थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है आज। और रास्ते में बस हमें व्यूज़ ही अच्छे मिले, फ़ोटो के लिए तो हम लोग अभी कहीं रुके नहीं हैं, देखते हैं कहाँ पे हम बॉमडिला में अगर देखते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा मिला व्यू फ़ोटो के लिए तो हम ज़रूर रुकेंगे। आएगा एक व्यू पॉइंट के बता रहे हैं, एक बॉमडिला व्यू पॉइंट आएगा तो हम वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। बाकी रास्ते के तो सिर्फ व्यू ही इतने अच्छे थे कि मैं पीछे बैठ के ना बस ऐसे फ़ोन लेके सीधा अपना, मैंने कहा वीडियोस बनाती हूँ छोटी छोटी क्लिप्स। और बस गाइस ठीक है, अभी अपना लेते हैं हम लोग लंच मसाला डोसा के साथ, फिर बताएंगे आपको कि कैसा था मसाला डोसा। सो गाइस आ गया हमारा मसाला डोसा इतने दिनों के बाद, देखती हूँ खा के कैसा है गाइस, लग तो अच्छा रहे। सांभर वैसे मैं जनरली बहुत कम खाती हूँ, चटनी कैसी है? ये दोनों तो खाना शुरू कर दिया है, अब मैं बताती हूँ कैसा रिव्यू है। बढ़िया है, मस्त। अरे चटनी बहुत स्पाइसी है, इतना स्पाइसी भी हॉट नहीं, चटनी बहुत स्पाइसी है, बट काफी दिन के बाद ना कैफेटेरिया में स्पेशल होती अच्छी है। सांभर देखते हैं, सांभर काफी प्लेन और सिंपल लग रहा है। सांभर बहुत टेस्टी है। एक तो हम दोनों ने खाया और हाफ हाफ खाया और दो कॉफ़ी मंगवाई, ये सारी चीज़ें 150 रुपीस, ओनली 150 रुपीस। आर्मी कैंप में भी है शायद, उसका भी फ़र्क पड़ सकता है प्राइस का। बाकी डोसा बहुत टेस्टी था गाइस, सांभर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जनरली सांभर खाती नहीं हूँ, हमेशा चटनी के साथ खाती हूँ, पर चटनी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी स्पाइसी थी, मैं स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती हूँ। सांभर एकदम मतलब सिंपल था, मिर्च थी ही नहीं उसके अंदर, बहुत टेस्टी था। पीछे ही अपना सेटअप पहने हुए, मेरे को गाइस बाल टाई करने पड़ेंगे, पता नहीं क्यों बार बार कान नाचना मेरे बहुत दुख रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं अभी अपनी फटाफट से चोटी करूँगी, फिर उसको बांधूँगी, फिर एक जोड़ा बनाऊँगी, बहुत कुछ मतलब बड़ा टाइम लग जाता है गाइस, अगर आप कहीं पर रुकते हो आपको पूरा सेटअप उतारना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं थोड़ी सी, बट ठीक है आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। सो गाइज अब हम सीधा जाएंगे बॉमडिला, रास्ते में मतलब जो भी उसके रास्ते में अगर जो भी अच्छे व्यूज़ आएंगे हम आपको दिखाएंगे ज़रूर,
और उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे दिरा। तो गाइज चलते हैं, आओ हमारे साथ मजे करो। लिखा हुआ आया वेलकम टू टींगा मार्केट। हाँ गाइज इस जगह का नाम टींगा ही है, TENGA टींगा, और ये टींगा मार्केट है। यहाँ बारिश हो रही है गाइज धूप में, बताओ। ये छोटी सी मार्केट थी टींगा मार्केट, और अब हम टींगा मार्केट को क्रॉस करते हुए सीधा निकल रहे हैं। कहाँ पे कहाँ निकल रहे हैं हम? हाँ बोमडीला, बोमडीला 15, दिरांग और तवांग 192, दिरांग 55। तो गाइस दिरांग रह गया 47, सीला पास रह गया 110, तो सीला पास तो नहीं आ पाएगा आज। और जंग है यहाँ से 136, तवांग 183। और ये रूट जो जा रही है वो जा रही है आगे आगे वाली, ये आप ऐसे आओगे तो ये निकल जाएगी तवांग और वो टाउन में चली जाएगी बोमडीला, और बोमडीला पास भी उधर ही है, और ये बोमडीला पास को बाईपास कर देगा। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे दिरांग की तरफ। तो गाइस निकल रहे हैं अब, हिमानी वो बना रही है, हिमी टाइम लैप्स बना रही है, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, आंधी जैसे आ रही है, ड्रोन भी नहीं उड़ा पाए। यहाँ ड्रोन अलाउ है लेकिन बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, लेकिन क्या करें हवा बहुत तेज़ चल रही है, ड्रोन तो उड़ जाएगा। तो वापसी भी गाइस अपने को तवांग से इधर ही आना है, तो वापसी में देख लेंगे अगर हवा तेज़ ना हुई तो। देखो कितनी तेज़ पत्ते हिल रहे हैं अभी तो, इससे पहले पूरा धूल धूल हो गया था, आंधी सी आ गई थी जब मेरा मन करा कि चल, उससे पहले मैं सोचा था निकाल लेता, जैसे ही निकालने लगा आंधी आ गई, तो मैंने कहा नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ड्रोन उड़ जाएगा, और अगर कहीं वहाँ चला गया तो फिर चला ही जाएगा। और ये देखो टाइम लैप्स ले रही है, एक शूट के लिए देखो सिर्फ 10 सेकंड के वीडियो के लिए कितना कितनी मेहनत करनी पड़ती है गाइस। ये खड़ी अपनी बाइक, इधर जाना है अपने को। तो गाइस वो बोमडीला गाँव है, वहाँ जाना है, तो हमें तो आगे जाना है, तो निकलते हैं गाइस यहाँ से। ये पकड़ के बैठी हुई है अभी तक, हो गया हो गया, कितने सेकंड का हो गया, 3 सेकंड का बना है अभी तो। तो गाइस अभी तो टाइम लगेगा लेकिन निकलते हैं अब, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, 3 बजने वाले हैं, तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो मिलता हूँ गाइस आपको अब रोड पे। और ये देखो काम कर रहे हैं यहाँ पे रोड का, गड्ढे भर रहे हैं रोड के, तो आ जाओ चलते हैं फिर अब। Oh,
गाइस ये रहा बोमडीला टाउन, यहाँ से लेफ्ट। अगर आप अंदर से आओगे तो यहाँ से निकलोगे बाहर, दोनों रास्ते जाते हैं, वो टाउन होके जाएगा, ये बाईपास कर गया। और अब यहाँ से रह गया गाइस 38 किलोमीटर्स, अप्रोक्स 1 आवर। क्या नज़ारे हैं सामने, वो छोटा सा कोई गांव है, मालूम नहीं कौन सा है, टिंगा होगा ना, टिंगा। तो बढ़ते हैं गाइस आगे, नज़ारे बदलते जा रहे हैं अब। और यहाँ से रह गया 34। वही 4 बज जाएंगे। कितने हरी है, हरे 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 हरे। सही है ना, बढ़िया है। मुन्ना 23, बस मुन्ना के बाद ही आ जाएगा। बस अब तो पहुंचने वाले हैं, यहाँ से रह गया 20 किलोमीटर्स, अप्रोक्स 31 मिनट दिखा रहा है गूगल। ठंडा लग रहा है गाइस, हैं? हाँ सुपर्स, लेह में भी हैं ऐसे बहुत, लद्दाख में। मुन्ना रह गया 6। गाइस मुन्ना पहुंच गए, तवांग 150, सीला टॉप 73। तो मुन्ना की मोनेस्ट्री होगी और ये मुन्ना के घर हैं इधर, होम से तो होंगे लेकिन कम होंगे। तो इससे अच्छा है, इससे अच्छा ये है कि आप दिरांग में रुको, दिरांग ही सबसे बढ़िया है। देखते हैं दिरांग में भी क्या मिलता है गाइस, पता चल जाएगा। मंडाला यहाँ से 28 है, मंडाला, हाँ मंडाला नहीं जाना, मंडाला टॉप पड़ता है एक, वो अपने गाइस ऑप्शन पर डाला हुआ है वापसी में। दिरांग, तो गाइस दिरांग आ गया, दिरांग विलेज। दिरांग का गेट आ गया ये, तो वेलकम टू दिरांग। अब यहाँ पे होटल देखना है हमें। बस एक अच्छा सा होटल मिल जाए गाइस। फैमिली आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज हम लोग पहुंच गए हैं दिरांग और हमने अपना ले लिया है होटल। होटल का नाम आ रहा है गाइज स्क्रीन पे, होटल मंडाला। ये हमें कितने का पड़ा ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वहां पे चेक कर लेना गाइज। और गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग ने अभी चाय ऑर्डर करी है और कुछ स्नैक्स करेंगे, मैं रह गई हूँ अभी, मैं बताऊँगी कि क्या ऑर्डर करना है। थोड़ी भूख लग रही थी, डोसा तो पता नहीं कहाँ हजम हो गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि गाइज जहाँ से हम चले थे क्या जगह थी वो, आई फॉरगॉट गाइज, मेरे को याद नहीं आ रहा, भालूपोंग, हाँ जी सॉरी, भालूपोंग से जहाँ हम चले थे। और ये क्या नाम है, दिरांग का जो रास्ता है ये इतना ज़्यादा तो नहीं था, बट हम लोग रास्ते में अच्छे अच्छे व्यूज़ इन्जॉय करते आए हैं और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली हमने, टाइम लैप्स बनाया, 360 करा, तो इस सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें पहुँचते पहुँचते आराम से हम पहुँचे हैं धीरे धीरे मौज मस्ती करते हुए गाइज। तो अभी बस हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं, नहा लेते हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं गाइज आपसे, फिर मैं आपको एक होटल का अच्छा सा लुक दिखाऊंगी। होटल बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है और टूरिस्ट काफ़ी आया हुआ है गाइज यहाँ पे घूमने के लिए,
एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि जो तवांग हम जा रहे हैं जहाँ पे कल, वहाँ पे भी हमें काफ़ी टूरिस्ट मिलने वाला है। सो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग होटल ना तवांग के लिए पहले से बुक करते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमें आगे जाके, मे बी हमें होटल्स मिले ही ना। फिर हम सोचेंगे हम कहाँ रहें, किधर रहें, तो परेशानी होने से अच्छा है कि हम लोग अपना होटल पहले से ही बुक करके चलें। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अभी गाइज, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। अभी जस्ट आए हैं, थोड़ा फ्रेशनअप हो जाए, मैंने मुंह भी नहीं धोया अपना, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरे फेस पे। सो थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइज आपसे, तब तक के लिए आप लोग भी चाय पिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स अपने घर वालों के साथ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइज। रूम का लुक दिखा देती हूँ आपको एक, कि हमारा रूम कैसा है जो हमने लिया है होटल मंडाला में। सो दिखाती हूँ गाइज आपको। गाइज ये है रूम, दिस इज वार्डरोब एरिया, मिरर सेक्शन, दिस इज मी। और गाइज हमें ना कपल वाला नहीं मिला, यही अवेलेबल था इनके पास, दो ही रूम अवेलेबल हैं, एक ये वाला और एक इसके आगे वाला। तो मुझे ये वाला व्यू ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमें ये दो बेड वाला ही मिला है। तो यहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है, बालकनी नहीं है गाइज, नॉर्मल ग्लास वाला है। आई थिंक ये बैग एरिया है। भैया बता रहे थे कि जो सामने वाले रूम है गाइज, वो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, बट वो उनके पास अवेलेबल नहीं थे, अदरवाइज़ वो हमें वही वाला रूम देते। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ले लेंगे। तो मिलती हूँ गाइज थोड़ी देर में आपसे फिर, आफ्टर चाय एंड सम स्नैक्स के बाद। अभी तक हमारा डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें क्या लेना है, क्या मंगवाएंगे हम। सो देखते हैं गाइज, आप लोग भी इंजॉय करें, हम भी करते हैं। सो हे माई YouTube फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी अपना अच्छे से डिनर कर रहे होंगे। हमने भी अपना डिनर मंगवा लिया है रूम में ही आज, क्योंकि रीज़न ये गाइज, मेरा बहुत मन था कि मैं नीचे रेस्टोरेंट में जाके डिनर करूं, बट गाइज रीज़न ये कि कल हमें जाना है तवांग, जिसके लिए हमें सुबह 4:30 के अराउंड उठना पड़ेगा, और उसके लिए हमें नींद हमारी पूरी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो फिर नींद आएगी रास्ते में। तो इट्स बेटर कि हम अपनी कंप्लीट अच्छे से नींद पूरी लें। सो अभी बस बज रहे हैं रात के 8 और डिनर रूम में आ गया है बेबू, कर रहे हैं डिनर। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये हमारा डिनर आ चुका है, बेबू सूप पी रहे हैं, और हमने मंगवाया है दाल तड़का, वेजिटेबल फ्राइड राइस, और एक चपाती मंगवाई थी गाइस, उसका एक रीज़न है। चपाती मैंने इसलिए मंगवाई थी ये देखने के लिए कि गेहूं की रोटी है या मैदे की रोटी है, बट ये वाइट वाइट से कलर की रोटी, आई थिंक ये मिक्स है मैदा एंड गेहूं, तो मैं नहीं खाने वाली। उसका रीज़न है गाइस ना खाने का, क्योंकि मैदा हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक चपाती मंगवाएंगे ये देखने के लिए कि ताकि हम सुबह नाश्ते में इनको बोल के 6 बजे तक, 7:30 तक इनका स्टाफ उठ जाता है, 6 बजे तक मैक्सिमम, तो हम आलू के पराठे रास्ते में ले जाएंगे और चाय के साथ खा लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे वीट आटा मिलना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कॉल पे बात की थी तो उन्होंने बोला था कि गेहूं का आटा है, बट आई थिंक ये मिक्स आटा है, क्योंकि रोटी थोड़ी वाइट वाइट दिख रही है, और वो मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी। और ये रोटी हम कल ले जाएंगे, कोई भी रास्ते में हमें डोगी या कुछ भी दिखेगा, गाय वगैरह, हम उसको खिला देंगे, क्योंकि गाइस हम नहीं खाते हैं मैदा, हम अवॉइड करते हैं, और मैं नहीं चाहती मैं अपने इस ट्रिप पे बीमार हूँ, हम दोनों में से कोई भी। सो मेरे को ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। सो गाइस अभी बस हम दोनों डिनर करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है। तो ठीक है गाइस, डिनर करते हैं फिर उसके बाद। हाँ, आप लोग भी गाइज अपना अच्छे से डिनर करना अपनी फैमिली के साथ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना प्लीज़, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अच्छी लगे तो। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गाइज, तो आई होप मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना बेबू? क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है, ड्रोन शॉट में और इंस्टा 360 में, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स लेने पड़ते हैं, काफ़ी टाइम भी लगता है, फिर वेदर फोरकास्ट भी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर करना, ठीक है? तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।